हम लाए हैं अभी। ये जो हमारा अभी सेकंड प्रोसेस है, ये हेना ट्रीटेड बालों के लिए। ये देखें कि बालों पे कितनी हेना लगी हुई है। तो अभी हमारा प्रोसेस जो है इन बालों पे, ये जिनके बाल जो है मेहंदी लगा लगा के इस कंडीशन में आ जाते हैं, तो ये केराटिन जो है इन बालों को बिल्कुल सॉफ्ट, नरिश, स्मूथ कर देगा। और अब लास्ट में हम आपको इसके रिज़ल्ट दिखाएंगे कि इस बालों पर इस केराटिन का क्या रिज़ल्ट आया है। जो जितनी भी लेडीज़ परेशान है, हमारे बाल मेहंदी वाले हैं, हम क्या करें, तो उनके लिए जो है ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। आप लोगों में से जिनको भी कोई क्वेश्चन हो मेहंदी वाले बालों से रिलेटेड, तो आप अभी कर सकते हैं। ये तो हमारे हेयर एक्सपर्ट केराटिन की आपको अभी सब आपके जितने भी सवाल जवाब होंगे उनके जवाब दे सकती हैं। ये अच्छा मौका है आपको मेहंदी से रिलेटेड बालों के लिए सवाल करने का। ये प्लीज़ मौका मिस ना कीजिए और अपने जितने भी सवाल हैं वो करते जाइए, ताकि आपको अभी अच्छे से इन सब की जितने भी आंसर हो डिटेल से आपको मिल सके। अभी ये जो सेशन है ये केराटिन पर है, मेहंदी वाले बालों के ऊपर जो केराटिन होता है उस पर है। तो आप प्लीज़ चार्जेस और जो हाईलाइट्स वगैरह इन क्वेश्चन को प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करें। अभी केराटिन सेशन है तो आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, ताकि आपको केराटिन से मुतालिक जो हो ना जितने भी आंसर हो आपको प्रॉपर भी मिल जाए और अच्छे तरीके से आपको जो है ये गाइड कर लें कि आपको मेहंदी वाले बालों के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रोसेस जाएगा, कौन सा केराटिन जाएगा। सुमेरा अर्शद, आपको लॉन्ग हेयर के चार्जेस मालूम करने, हाईलाइट के, आप प्लीज़ TTCL नंबर पर कॉल करके आप चार्जेस के ना मालूम कर लीजिए। अभी जो सेशन है हमारा वो केराटिन के ऊपर है, तो आप प्लीज़ केराटिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप रख सकते हैं। आप ना थोड़ा एक्सप्लेन भी करती जाएं इस मेहंदी से रिलेटेड जो जी हाँ MK, अगर कलर ट्रीटेड बाल हो, जैसे ये मेहंदी ट्रीटेड है, अगर गलत कलर ट्रीटेड हो, बहुत ज़्यादा लगा हुआ, तो ये केराटिन उस पर हो जाएगा। जितना भी मेहंदी वाला बाल है ये मेहंदी हो जाएगा, और जितने भी कलर ट्रीटेड हेड होगी उनके ऊपर भी आराम से हम लोगों का केराटिन थर्मल एडवांस आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके एक्सपीरियंस रिजल्ट हैं, मैटेनिटी हेयर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आगे नहीं आप
स्मूथ है, इसके फ्रूट भी हार्ड नहीं है। आप कंडीशन चेक कीजिए सिर्फ के, देखें कितनी महंगी लगी हुई है और जिनके कंडीशन देखे बालों की। हम आपको लास्ट रिजल्ट की शो करवाएंगे इसके। स्प्लिट एंड्स बाल जो हैं वो केराटिन से सही हो जाते हैं जी। इनके बाल केराटिन से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, चाहे कितना ही ड्राई एंड डैमेज बाल हो, कितना ही ट्रीटेड हेयर हो, केराटिन से इंशाल्लाह आप लोगों का बाल बहुत बेस्ट हो जाएगा और जिनके हेयर फॉलिंग हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। एम के देव, जो जितने भी स्प्लिट्स एंड होंगे इस ट्रीटमेंट से आपके वो सारे सॉल्व, जितने भी हेयर का मसला है आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। इवन आपका हेयर फॉल होगा तो वो भी आपका जो है स्टॉप हो जाएगा। ये न्यू टेक्निक, एडवांस टेक्निक है जो अभी तक पाकिस्तान में सिवाय फरमाने के पास और कहीं भी नहीं मौजूद, और ये हम लोगों के पास ये एम के प्राइसेस के लिए आपको जो है कॉल करनी होगी। आप है ना हमारे पीटीसीएल नंबर पे कॉल करके आप जितनी भी डिटेल्स चाहिए ना लेंथ चार्जेस के हिसाब से, तो आपको हमारी रिसेप्शन से मिल जाएंगे, या आप आकर हमारे सैलून पे विज़िट कर दीजिएगा। आपकी लेंथ चेक करके भी हम आपको बता देंगे कि आपके हेयर्स की लेंथ के हिसाब से आपके चार्जेस क्या होंगे। फिर भी वही चीज़ है, ना ही आप लोगों को ना कोई टेंशन होगी इस केराटिन में कि हमने बालों को मोड़ना नहीं है, बालों को सीधा रखना है, बालों को बांधना नहीं है, कान के पीछे नहीं करना, कोई क्लिप नहीं लगाना, इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। स्टे कितना करता है ये बालों पर? ये स्टे करेगा आपको 6 मंथ। हमारे जो दोनों प्रोसेस हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। हम आपको जो है इन दोनों के लास्ट में रिजल्ट्स दिखाएंगे, आप चेक कीजिएगा अभी इनके बालों की कंडीशन, और लास्ट में आपको जो है ना रिज़ल्ट दिखाएंगे कि क्या रिज़ल्ट आया है इस ट्रीटमेंट का। इनके बालों पे देखें कितने स्प्लिट एंड्स रफ बाल हैं, तो इनका भी रिजल्ट हम दिखाएंगे लास्ट में। और ये जो है मेहंदी ट्रीटेड बालों पे हो रहा है। Please.
देखिए मैंने किस तरह लगाया, बहुत ज़्यादा दे रहे हो, ऐसे नहीं लगाना है जब से आपको कह रही हूँ, तो खाली ऐसे करके और हमें डोर की तरह लगाना है, देखो डोर की तरह ही लगाना है। ये कौन सा कैरेटिन है, नाम बता दें। ये है हमारा प्राइम थर्मल एडवांस कैरेटिन। कैरेटिन नेम प्राइम थर्मल। कौन सा कैरेटिन है बतावर होना, ये प्राइम थर्मल कैरेटिन है। प्राइम थर्मल ये कीने का नहीं है, ये प्राइम थर्मल कैरेटिन है। ओके गाइस, अभी हम जो है वो ऑफ होने लगे हैं, हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद इसके फाइनल रिजल्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।